अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है न्यायालय की कार्रवाई का लाइव प्रसारण। आइए देखते हैं यह हाल के दिनों में क्यों चर्चा में है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबड़े ने न्यायालयों की कार्रवाई के लाइव प्रसारण का दुरुपयोग किए जाने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की है। ये जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने न्यायालयों की कार्रवाई तक सभी की पहुंच को आसान बनाने के लिए इसे लाइव प्रसारित किए जाने पर बल दिया था। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर अपनी अदालती सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर लाइव प्रसारण को जारी रखने या इसके तौर तरीकों के निर्धारण पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिए, साथ ही न्यायालय की कार्रवाई के लाइव प्रसारण से इसके दुरुपयोग का भय भी बना रहेगा। यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो गौरतलब है कि वर्ष 2018 में स्वप्निल तिवारी बनाम भारतीय उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि नागरिकों द्वारा न्यायालय की कार्रवाई का लाइव प्रसारण देखने की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त न्याय तक पहुंच के अधिकारों का एक हिस्सा है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है। इन सुनवाइयों के दौरान अधिवक्ताओं, पीड़ित और आरोपी पक्ष, गवाह आदि को शामिल होने की सुविधा प्रदान की गई है। 6 अप्रैल 2020 को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों की कार्रवाई के लाइव प्रसारण और वेब आधारित सुनवाई के लिए 7 दिशा निर्देश जारी किए थे। उच्चतम न्यायालय की ई समिति द्वारा निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चल रही अदालती कार्रवाई को जनता को देखने की अनुमति देने की बात कही गई है। इससे पहले वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों ने फरीदाबाद में अपना पहला आवासीय न्यायालय या वर्चुअल कोर्ट या ई कोर्ट लॉन्च किया था। यदि इससे जुड़े हुए लाभों की बात करें तो न्यायालयों की कार्रवाई के लाइव प्रसारण से न्यायालय तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया जा सकेगा। इसके माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और इसके प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग विश्व में किसी भी स्थान पर रहते हुए अपने मामले की निगरानी कर सकेंगे, जिससे धन और समय की बचत होगी। न्यायालयों की कार्रवाई के प्रसारण से इसकी कार्यप्रणाली और कानून के प्रति लोगों के जागरूकता बढ़ेगी तथा किसी विवाद के मामले में न्यायालय जाने के संदर्भ में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यदि इससे जुड़े हुए चुनौतियों की बात करें तो न्यायालयों की कार्रवाई का लाइव प्रसारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के साथ कुछ मामलों जैसे वैवाहिक विवाह और यौन उत्पीड़न के मामले में लोगों की निजता के अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही न्यायालय की कार्यवाही का अनधिकृत पुनर्प्रसारण, इसका व्यवसायीकरण या इसके दुरुपयोग से जुड़े अन्य मुद्दे भी चिंता का विषय हैं। यदि आपको अचीवर्स आईक्यू के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।